एक कैमरा में कैप्चर हुआ। और सोचिए कि एक छोटे से चुनाव के लिए जब भाजपा इतना लो स्टूप कर सकती है, तो जहां 90 करोड़ देश की जनता वोट देती है, तो वहां किस तरह की इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस कर रही होगी। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया है। इसके लिए उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय मिला है। बीते कई समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन के मुताबिक उन्हें 2 फरवरी को जांच में शामिल होना है, लेकिन इसी दिन केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल होंगे। आपका कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर किया जाएगा। एक कैमरा में कैप्चर हुआ, और सोचिए कि एक छोटे से चुनाव के लिए जब भाजपा इतना लो स्टूप कर सकती है, तो जहां 90 करोड़ देश की जनता वोट देती है, तो वहां किस तरह की इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस कर रही होगी। इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सरदार भगवंत मान जी 2 फरवरी को भाजपा दफ्तर के आगे प्रदर्शन करेंगे। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 5वें समन पर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि उसकी कानूनी टीम नोटिस का अध्ययन कर रही है। आम आदमी पार्टी कानून के मुताबिक निर्णय लेगी। एक संक्षिप्त बयान में आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्र सचिव प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमें 5वें समन के बारे में खबर मिली, हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन कर रही है और हम तय करेंगे कि कानून के अनुसार क्या करना है। पहले के समन अवैध थे और हमने ईडी से जवाब मांगा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 2 फरवरी को उपलब्ध रहने को कहा है। एजेंसी ने इससे पहले 18 जनवरी 3 जनवरी पिछले साल 21 दिसंबर और 2 नवंबर को आप प्रमुख को तलब किया था। माना जा रहा है कि ईडी ने इस बार उन्हें 2 फरवरी के दिन पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन इस तारीख के बारे में आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। केजरीवाल जांच एजेंसी के नोटिस को अवैध करार देते रहे हैं। अब ईडी ने 5वां समन भेजकर केजरीवाल की पुरानी दलील को खारिज कर दिया है कि समन कानून के अनुरूप नहीं है। बता दें, कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम कई बार लिया गया है।